मैं नवरतन सिंह भाटी, राजपूत, राजस्थान। कल जो हार्दिक पांड्या पर केस दर्ज हुआ है, आरक्षण और भीमराव अंबेडकर को लेकर डीआर मेघवाल ने जोधपुर से एफआईआर दर्ज कराई है, वो बिल्कुल सरासर गलत और SC ST Act का दुरुपयोग करने वाली बात है। हार्दिक पांड्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक पांड्या जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपने बहुत बड़ा साहस किया, बहुत वीरता का काम किया, जिससे पूरा देश का श्रोण समाज व राजपूत समाज हर्षोल्लासित हैं कि आपने एक भीमराव अम्बेडकर, जो देश का सबसे बड़ा देशद्रोही था आज़ादी के बाद में, उसने कुछ अपनी विशेष जातियों के लिए देश में जातिगत आरक्षण लागू किया, हरिजन एक्ट लागू किया, SC ST Act लागू किया, कि दूसरी जातियां देश में कहीं ऊपर से आई क्या? देश में सबसे ज्यादा योगदान भारतीय संस्कृति को बचाना हो, हिंदुत्व को बचाना हो, तो राजपूत, ब्राह्मण और शरण जातियों का रहा है। देश की आजादी में सबसे ज्यादा योगदान शरण जातियों का रहा है। SC ST और इनका कोई योगदान नहीं है देश की आजादी और देश की संस्कृति को बचाने में। और आज जो ये कानून का दुरुपयोग करके हर किसी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ये भीम आर्मी जो अभी अभी बनी है और देश में असामाजिक तनाव और दंगे करवा रही है और हिंदू देवी देवताओं का बदनाम कर रही है, इस भीम आर्मी को नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी तुरंत बैन करें। ये फर्जी सेना और संगठन है जो हिंदुओं को, देवी देवताओं को और दंगे भड़का रही है। हार्दिक पांड्या जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके समर्थन में देश का समस्त राजपूत समाज, मेरे जैसे युवा जो गर्दन ने काटने और कटाने में विश्वास करते हैं, इस देश में जातिगत आरक्षण एक बहुत बड़ी कैंसर रूपी बीमारी हो गई है, इसको हम खत्म करना चाहते हैं। हम आपके साथ हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस FIR को हम रद्द कराएंगे। हाईकोर्ट में सभी राजपूत युवा और श्रम जाति के युवा हार्दिक पांड्या जी के समर्थन में इस FIR को निरस्त कराने के लिए याचिका लगाए हैं। हार्दिक पांड्या जी ने एकदम सही बात कही, ये भीमराव अम्बेडकर दोगला था जिसमें अपनी कुछ विशेष जातियों को आरक्षण और SC ST Act वगैरह सुविधाएं दे दी और श्रम जातियां आरक्षण से देश में तबाह और बर्बाद हो रही है। SC ST वाले 40% डॉक्टर, इंजीनियर, IAS RS बन रहे हैं, बल्कि 90% पे राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, ये पैसे जाते हैं, आरक्षण से वंचित हैं। वो 90% लाने के बाद भी ये सरकारी पदों पर नियुक्त नहीं हो रहे हैं। और SC ST वाले साले चपरासी बनने के लायक नहीं है, वो सरकारी पदों पे माइनस अंक में आते हुए भी ये टीचर बन रहे हैं। तो ये देश का संविधान भी भीमराव अम्बेडकर गद्द लिखा, ये भीमराव अम्बेडकर देश के नाम पर कलंक है। इसने देश में ऐसा संविधान लागू किया और देश में जातिगत आरक्षण लागू किया जिसमें देश की हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति, गुजरात में पटेलों का आंदोलन, उसमें 11,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ, वो सब भीमराव अम्बेडकर के कारण हुआ। हजारों राजपूत श्रवण युवा और ब्राह्मण युवा आत्महत्या कर रहे हैं इस आरक्षण की वजह से। अच्छे अंक लाने के बाद भी सरकारी नौकरियों में, राजनीति में, शिक्षा क्षेत्र में नहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो आरक्षण का विरोध करो, हार्दिक पांड्या का समर्थन करो, हे राजपूत युवाओं, क्षत्रिय युवाओं, जागो और हार्दिक पांड्या का समर्थन करो, रैलियां करो, आंदोलन करो और इस FIR को रिजेक्ट करो। और आगे से कोई भी युवा आवाज उठाए उसका समर्थन करो। हार्दिक पांड्या ने बहुत बढ़िया काम किया है, भीमराव अम्बेडकर को नंगा करने का काम किया है, एकदम सही बात की है। उसको FIR दर्ज कराने की कोई बात ही नहीं बनती है। सबको समानता, स्वतंत्रता का अधिकार है, अपनी आवाज और कहने का हक है, तो इसमें FIR और अपमान करने वाली कोई बात ही नहीं है। हार्दिक पांड्या जी ने कही वो बात एकदम सत्य है, आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा है, भीमराव अम्बेडकर का लिखा संविधान गलत है, ये जातिगत आरक्षण देश के लिए बहुत घातक है, इसको बहुत जल्दी देश को आरक्षण मुक्त कराना होगा और कराएंगे। देश में बहुत बड़ी जन क्रांति लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अगर 2019 चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण खत्म नहीं करती है, तो देश में भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेंगे और चाहे नोटों का प्रयोग करना पड़े, नोटों बटन दबाएंगे, न कांग्रेस को वोट देंगे न भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। ये दोनों पार्टियां कांग्रेस
और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, देश को मूर्ख बना रहे हैं, राजपूत समाज और सर्व जातियों को बर्बाद कर रहे हैं। जय राजपूताना, जय छात्र दम, जय हिंदू राष्ट्र।